ये बात मैंने पांचवी जमात में पढ़ी थी। अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा जवाब शिकवा मैंने पढ़ी, बांगे दरा मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने भेज दी थी। एक शेर तो वो है बांगे दरा का जो मेरे तहतु शऊर में कहीं चिपक गया था और मेरी पूरी जिंदगी को उसने एक रुख पर डाला है। वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। देखिए ये बात सिर्फ इकबाल ने नहीं कही, वो दाढ़ी मुड़ा था, आलिम तो नहीं था, यही बात कही 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन असीर माल्टा ने। 4-4.5 साल की असीरी के बाद जब रिहाई पाकर आए थे 1920 में, और रिहाई क्यों मिली थी कि टीबी थर्ड स्टेज को पहुंच गई थी। अंग्रेज डरता था कि अगर हमारी असीरी ही के अंदर कहीं इंतकाल हो गया तो कहीं तूफान उठ जाएगा, लिहाजा छोड़ दिया। देवबंद में एक जलसा मुनक़िद हुआ और वक्त के सारे बड़े बड़े उलमा मौजूद, अशरफ अली थानवी साहब मौजूद, शब्बीर अहमद उस्मानी साहब मौजूद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी मौजूद, हमारे जो पाकिस्तान में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मौजूद, और उन्होंने ये वाकया लिखा है अपनी किताब में वहदत उम्मत में कि शेखुल हिंद ने कहा कि हमने तो अपनी 4 साल दौरे असीरी में जितना ही गौर किया है हमें अपने जवाल के दो असबाब नजर आए हैं, एक हमारा कुरान को तर्क कर दे, ये लफ्ज है उसके अंदर नोट कीजिए, हालांकि उलमा ने कुरान को तर्क किया है, लेकिन अगर आपने कहा नहीं तो ये सही नहीं है, किया है। उनका सारा जोर फिका पर है, हदीस पर है, ज्यादा जोर कुरान पर नहीं है। सही बात है, कहने वाला कौन है? शेखुल हिंद। एक हमारा कुरान को तर्क कर देना और दूसरा आपस के इख्तिलाफात। और मुफ्ती शफी साहब ने उसके ऊपर फिर ये गिरा लगाई कि हजरत शेख ने जो दो बातें कही थी हकीकत में एक ही है, हमारे इख्तिलाफात भी इसीलिए कि हमने कुरान को तर्क कर दिया। तो ये है एक शेर जो मेरे जहन में चिपक गया था, फिर कुरान से अल्लाह ने जो एक मुनासबत दी जहनी कल्बी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। दूसरा शेर वो है कि वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, पूरे कुरा अर्जी जब तक के तौहीद से जलवागर ना हो जाए और इस्लाम का डंका ना बज जाए उस वक्त तक हुजूर का मिशन मुकम्मल नहीं है। हुजूर हवाले करके गए थे उम्मत के खुतबा हज्जतुल विदा में, आपने सवाल किया अला हल बल्लगतो, और 1,25,000 के मजमू ने जवाब दिया इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता वादैत अमानता बनसहत उम्मता बकशफत गुम्मता। हाँ हुजूर हम गवाह हैं, आपने हक रिसालत अदा कर दिया, हक अमानत अदा कर दिया, मुसलमानों की खैरखाही का हक अदा कर दिया, उम्मत की खैरखाही का, और गुमराही के पर्दे चाक कर दिए। 3 दफा हुजूर ने सवाल किया, 3 दफा जवाब देकर फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और अंगुष्ठे शहादत से इशारा किया और फिर लोगों की तरफ अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू भी गवाह रहे, ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया। इसे मैं कहा करता हूं साई ऑफ रिलीफ, कंधों पर एक बहुत बड़ा भारी बोझ आ गया था, बहुत बड़ी अमानत थी कुरान, उसके पहुंचाने पर क्या क्या तकलीफें उठाई हैं। पागल कहे गए, मजनू कहे गए, शायर कहे गए, साहिर कहे गए, मशहूर कहे गए, क्या ना ही कहा गया, और फिर जो मारे खाई हैं, जो 3 साल की शेबे बनी हाशिम के अंदर असीरी थी जिसमें खाने पीने की चीजें घाटी में दाखिल नहीं हो सकती थी, हमारी जेलों में तो आपको खाना तो मिलता है, वहां तो कुछ नहीं था। फिर ताइफ का पथराव याद कीजिए, फिर मक्के से निकलना और 3 दिन रात एक गार में छुपे रहना, फिर मदीने के अंदर आपको मालूम है गज़वा बदर आ रही है, उसमें 70 अगर काफिर मारे गए तो गज़वा उहद में 70 सहाबा शहीद हुए जिनमें हजरत हमजा भी हैं। 3-3 रिश्ते हैं हजरत हमजा से हुजूर के, चचा भतीजा सबको बस यही मालूम है
चचा भतीजा, खालाजाद भाई, दूध शरीक भाई, और अरबों में दूध शरीक भाई हकीकी भाई के तौर पर होता था। और उनकी लाश सामने आई है कि नाक काट ली गई है, कान काट लिए गए हैं, और पेट चाक करके कलेजा चबाया गया है। ये सारे बोझ उठाकर अगर वो हक तबलीग अदा हो गया, अहला ये मान रहे हैं, तू भी गवा रहे। और फिर क्या कहा, फल युबल्लिगिश शाहिदुल गायबा। अब जो यहां मौजूद है उनका फर्ज है कि उनको पहुंचाएं जो यहां नहीं है, और ये अबदुल आबाद तक के लिए, कयामत तक के लिए है। अन आखिरुल मुरसलीन व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी रसूल हूं, तुम आखिरी उम्मत हो। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।